मध्य प्रदेश से पहला रुझान आया आईबीसी 24 पर, उपचुनाव का पहला रुझान। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सांवेर से तुलसी सिलावट आगे। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांवेर से तुलसी सिलावट आगे। मध्य प्रदेश से पहला रुझान सामने आया है, बीजेपी के तुलसी सिलावट इस समय आगे चल रहे हैं। तो यहां 1980, 1990, 1993, 2003, 2008 और 2013 में बीजेपी का विधायक जीता था, लेकिन 2018 में तुलसी सिलावट कांग्रेस से थे, वो जीत कर आए थे, मंत्री बने, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, त्यागपत्र दिया, मंत्री पद से त्यागपत्र दिया, चुनाव में गए और चुनाव का रिजल्ट आपके सामने। मध्य प्रदेश से पहला रुझान आईबीसी 24 पर इस वक्त बड़ी खबर। पहला रुझान, 28 राउंड है इस सीट पर, 28 राउंड में से पहला रुझान सामने आ रहा है, तुलसी सिलावट आगे। विक्की को तो सांवेर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। इंदौर के हाई प्रोफाइल सीट सांवेर से तुलसी सिलावट ने बीजेपी की जीत का दावा किया। भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने पत्नी के साथ घर पर पूजा करके वो बाहर निकले हैं। तुलसी सिलावट ने कहा कि शिव और ज्योति के संगम का सार्थक परिणाम मध्य प्रदेश को मिलेगा। सिलावट ने कहा कि सांवेर की जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर आज परिणामों की घोषणा होने वाली है और इसी के साथ प्रत्याशियों की परीक्षा की जो घड़ी है वो भी आ चुकी है। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा, जहां पर सिंधिया के कट्टर समर्थक तुलसी सिलावट की प्रतिष्ठा दांव पर है। तुलसी जी, सबसे पहले आप कमल का फूल लेकर ही निकले हैं घर से, आशीर्वाद भी लिया है भगवान का। ये सबका आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का, मतदाताओं का, मां शक्ति का, युवाओं का, अन्नदाताओं का, सबका आशीर्वाद कमल के फूल को मिलने वाला है। अच्छा, कितनी उम्मीदें लग रही है क्या, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत की थी और इसके साथ ही कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी इस सीट पर दांव पर। भारतीय जनता पार्टी की सांवेर के साथ मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होने वाली है। शिव और ज्योति का एक लहर, एक जादू पूरे मध्य प्रदेश में चला है। पंच बन पाएगा इस बार सिलावट जी का, चार बार तो जीत चुके हैं, पांचवा का पंच बनेगा। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ईश्वर का आशीष, मात शक्ति का आशीष, सांवेर का आशीर्वाद, हर वर का आशीर्वाद, क्योंकि बेटे को मिला है, उनके सेवक को मिला सांवेर के, और कमल के फूल को मिला है। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्योंकि गुड्डू जी अलग दावे कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा मतों से जीतेंगे। जी का नाम लेते ही नहीं, आपको पता है। तो ये थे हमारे साथ तुलसी सिलावट जी, जिनने कहा है कि हम जीत का पंच जरूर लगाएंगे और इसी को लेकर वो बड़े ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब बस देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के परिणाम आखिर आते क्या है। कैलकुलेटर संतोष जडवान के साथ शालिनी हार्या, आईबीसी 24 इंदौर। कि वहां फिर से दूसरा रुझान कहाँ का है, जरा मैं डेस्क से अपडेट लूंगा, क्योंकि अगर हम टेली में दो दिखा रहे, दूसरा अपडेट कहाँ का है। तो नेपानगर से, जी हाँ, नेपानगर से दूसरा अपडेट मिल रहा है। सुमित्रा देवी कास्टेकर, जिनके सामने थे रामकिशन पटेल, और बीएसपी से थे भल सिंह पटेल, सुमित्रा देवी कास्टेकर। विक्की भाई, जब प्रत्याशियों से बातचीत हो रही थी तो उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी सुमित्रा देवी, लेकिन अभी फिलहाल आगे चल रही हैं।